हमारा मेन टॉपिक रहा है जैसे विपस्सना पे, यानापान सती और विपस्सना और सम्मा सती और सती में क्या अंतर है, और दोनों में मतलब संप्रजन्य क्या है और सती क्या है, और विपस्सना क्या और आनापान क्या, इसी को स्पष्टीकरण के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो ये हम लोग के लिए तो विषय अंतर हो जाएगा, जैसे जो विपस्सना नहीं किया है उसके लिए तो। हाँ, तो विपस्सना का पिछली बार भी इस पर हुई थी बात, इसके पिछले के पिछले बार, तो दोहरा हो जाएगा हम समझते हैं। गुरु जी एक छोटी सी जिज्ञासा मैं रख लेता हूँ। हाँ, उससे ही हमको लगता है कि आधे घंटे 25 मिनट समय है। गुरु जी जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है तो कहा जाता है कि किसी न किसी गुरु का सानिध्य या गुरु की जब का साथ मिल जाता है, उसकी कृपा मिल जाती है, तो व्यक्ति की प्रगति हो जाती है, व्यक्ति उस तरफ और ज़्यादा इंटेंड हो जाता है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का ही जब हम लोग पढ़ते हैं तो राम स्वामी विवेकानंद ने जैसे उनको बहुत ज़्यादा प्रश्न करते थे, ईश्वर में उनको आस्था नहीं थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी वो कुछ समझते नहीं थे, जाते थे तो वो इसी तरीके की बात करते थे, पगला साधु कहते थे, तो वो जीनियस थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको अध्यात्म का अनुभव कराने के लिए, ईश्वरी सत्ता का अनुभव कराने के लिए अपनी जो शक्ति थी उसको थोड़ा उसका क्षणिक रूप दिखाया, उनको टच कर दिया और वो संज्ञा शून्य हो गए, महीने तक रहे। तो स्वामी विवेकानंद को समझ में आया कि ये है, ये कोई चीज़ है। तो जो नया साधक है, जो अभी अध्यात्म की ओर जा रहा है, ईश्वर में उसको भी वह आस्था नहीं है, वह विश्वास नहीं है, अध्यात्म की तरफ उसको पूरा अभी रुझान नहीं बना, तो क्या गुरु जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी कुछ उसको उधर इंटेंड कर देता है या कर देना चाहिए? तो गुरु की भूमिका किस रूप में होती है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर और ले जाने? ठीक है, पहले उसकी जिज्ञासा जो थी, हालांकि हम लोग दोहराएंगे नहीं संक्षेप में, देखो विपस्सना और आनापान सति जो है, आनापान सति भी एक योग कहलाता है और विपस्सना जो है उस योग का ही एक मतलब बेहतर हिस्सा है। एक तरह से विपस्सना और आनापान सति एक ही जैसे हैं, उनमें कोई ऐसे कोई मौलिक अंतर नहीं है, बस अंतर बस इतना भर है कि विपस्सना में साक्षी भाव का ज़्यादा महत्व है, विपस्सना में साक्षी भाव का ज़्यादा महत्व है। वहाँ पर उसमें जो है उसको देखना है, हर चीज़ को आने अनुभूत करना है। देखना मतलब आँख से देखने से मतलब नहीं है, बल्कि अनुभूत करने से मतलब है। तो बार बार वो चाहे कायानुपस्यति जो है ये भी विपस्सना है, वेदनानुपस्यति है वह भी विपस्सना है, उसके बाद जो है अन्य जितने भी तरह के हैं जैसे हमारे प्राण को देखना है तो वह भी विपस्सना है, यानी हम लोग के शरीर में जो कुछ भी गतिविधियां होती हैं उन सभी को देखना है। जो भी भाव आते हैं, क्रोध के भाव आते हैं, चाहे लोभ के भाव आते हैं या काम के भाव आते हैं, तो बुद्ध का मार के ऊपर बहुत जोर था कि भाई मार जो है जिसे सताता है, मार कामदेव को ही कहते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है। तो विपस्सना में साक्षी भाव का होना और देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आनापान सति भी विपस्सना ही है, बस अंतर इतना है कि उसमें करने पर ज़्यादा जोर है। आनापान सति में हमें करने पर ज़्यादा जोर है और श्वास पर ज़्यादा जोर है। आनापान सति में श्वास पर ज़्यादा जोर है, यानी श्वास पर हमको टिक जाना है और टिक करके देखना है। और विपस्सना में है कि हम चाहे कैसे भी महसूस करें, श्वास प्रश्वास में होकर के महसूस करें या बिना श्वास प्रश्वास के ही महसूस करें, श्वास प्रश्वास की भी क्रिया को हम महसूस कर सकते हैं, हम अपने मानसिक क्रियाओं को भी महसूस कर सकते हैं। तो उसमें जो महसूस करने पर ज़्यादा जोर है और इसमें करने पर ज़्यादा जोर है, घटना दोनों में एक ही घटेगी। तो आनापान सति इज इक्वल टू विपस्सना ही है एक तरह से, दोनों में कोई बहुत मामूली सा छोटा सा जो अंतर है वह तुमको मैंने बता दिया। अब इसके बाद तुम्हारी बात पर आता हूँ कि जो नए साधक हैं, हाँ इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा मैंने पिछले बार भी की थी,
जो जब अन्य जो मुसार लोगों का जब हुआ था सम्मेलन, तो उसमें भी एक प्रश्न आया था, उसमें हुआ था कि भाई क्या ईश्वर को हम लोग माने या नहीं माने, क्या करें, इसके शायद जिज्ञासा आई थी। तो उसमें मैंने बताया भी था कि हमें ईश्वर की जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें जिज्ञासा तो जो है उसकी करनी है जहाँ तक हमारी समझ जाती है। हाँ, ईश्वर तो अपनी जगह पर जैसे हैं जो हैं पता चलेगा हमें। हाँ, भारत ने कभी ईश्वर की खोज नहीं की, ये समझ लेना। भारत के लिए ईश्वर महत्वपूर्ण कभी नहीं रहा। भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है मोक्ष, स्वतंत्रता, मुक्ति। तो जितने भी पंथ हुए, चाहे वैदिक पंथ से भी हुए या गैर वैदिक पंथ वाले भी जो हुए, इन सभी का जो जोर है वो मोक्ष पर रहा। ये अलग बात है कि मोक्ष के लिए फिर ईश्वर आ जाते हैं भूमिका में, वो बात अपनी जगह पर अलग है, लेकिन वे फिर साधन के रूप में ही आते हैं, वो एक साधन हो जाते हैं। यानी हमारे लिए वो एक साधन है मोक्ष को उपलब्ध कराने के लिए, न कि हमारे लिए वो लक्ष्य है। लक्ष्य हमारा मोक्ष ही है, निर्वाण ही लक्ष्य है। उसमें ईश्वर एक सहायक भूमिका में आ जाते हैं, कृपा की भूमिका में आ जाते हैं। हाँ, उनके हाथ में है कृपा करना, देना। हाँ, जैसे अगर योग की पद्धति से भी देखेंगे तो ईश्वर परिधान व, इसमें जो है महर्षि पतंजलि जी ने कहा हुआ है कि ईश्वर परिधानानि व, तो यानी ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण हो जाए, यह जो है अथवा के रूप में कहे हैं कि अथवा जो है हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं तो हमें यह हो जाता है। लेकिन वहाँ अथवा ही है वह, यानी वहाँ भी वह एक साधन के रूप में ही है। उसके पहले जो उन्होंने कहा है कि जो संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि है, ये दोनों समाधि जो है व्यक्ति जो साधना पथ बताए गए हैं उन साधना पथ पर चलता हुआ व्यक्ति उसको हासिल कर सकता है, हासिल करता है। लेकिन यह जो है एक भक्ति मार्ग यह है, तो जिसमें कि वह जो है ईश्वर के प्रति सेवा भाव हो जाता है। लेकिन अब जो भक्त नया भक्त है उसको ईश्वर का क्या पता है कि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा, और समर्पण का क्या अर्थ है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है यह कि हम समर्पण आखिर किसको कहेंगे, क्या समर्पण। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पुष्पम समर्पयामि, हाँ पत्रम समर्पयामि, हर समय तो ये बोलेंगे नहीं। हाँ, कि मोबाइल समर्पयामि या कोई भी कर्म करेंगे, यहाँ बोलने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। वहाँ जो है हमारे वाणी का इसका मतलब नहीं है, हमारे भाव का है समर्पण का, हमारा भाव समर्पित होना चाहिए। और भाव का भी मतलब नहीं है ज़्यादा, भाव को जबरदस्ती आप नहीं बना सकते, भाव अपने आप ही उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, जब हमको नॉलेज हो जाएगा, सही ट्रू नॉलेज जो होगा वही भाव को ला सकता है, अन्यथा वह सदैव जो है अंधविश्वास रहेगा। यदि हम कुछ मान्यता हासिल करते हैं, थोपते हैं, तो वह एक अंधविश्वास रहेगा कि हम एक मान्यता के आधार पर चलना शुरू करेंगे फिर। तो जितने लोग भक्ति में पहले जाते हैं, तो भक्ति वाले के लिए भी नॉलेज अनिवार्य है, भक्ति वाले के लिए भी नॉलेज अनिवार्य है। बिना नॉलेज के जो है हमें जो है समर्पण हो ही नहीं सकता, भाव हो ही नहीं सकता, और ईश्वर क्या है हमें कैसे बोध होगा। तो हमारे पास जो कुछ भी अभी यहाँ पदार्थ हैं या जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, हमको यह देखना है, जो घटनाएं घटित होती है, देखना है कि ये घटना आखिर कैसे घटित होती है, इसके पीछे विज्ञान क्या है। जब हम सारे संतों ने तो ऐसा उस मार्ग की बजाय जो है अब कोई प्रश्न मत पूछो, मैं जो पूछे और मुझे बता लेने दो, फिर उसके बाद तुम इसको याद रखना फिर पूछना। तो जो हमारे सामने में उपलब्ध हैं, जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, या जो घटना है या जो तत्व है, हमको उसके विज्ञान में जाना है कि वो आखिर है कैसा, और उसकी क्रिया प्रक्रिया कैसे होती है, वो कोई फंक्शन कैसे कर रहा है, उसका परिणाम कैसे आ रहा है। जब हम हर चीज़ जानेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारे शरीर में ही, क्या हम अपने सांस को रेगुलेट कर रहे हैं, क्या हम अपनी भूख को कर रहे हैं, क्या हम हमारे अपने हृदय पर नियंत्रण है, क्या हमारे अपने विचारों पर नियंत्रण है, क्या हम उत्पन्न करते हैं क्या। तो हम अपने में देखेंगे कि हमारे भीतर हम अपने को क्या उत्पन्न कर रहे हैं अपने में से, और बाहर में हम अपने क्या उत्पन्न कर दिए, और यहाँ पर क्या चीज़ उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होती भी है या नहीं होती है। तो जब हम इन सबके विज्ञान को जानेंगे तो देखेंगे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाएंगे तो हम अंत नहीं पाएंगे, उसका अंतहीन श्रृंखला है यह। और अगर हम विराट से विराट में जाएंगे, बड़े से बड़े में जाएंगे, तो भी हम अंतहीन चले जाएंगे। और बड़े से बड़ी रेखा जो हम सोच सकते हैं, वह रेखा जिसमें कि कोई चीज़ जुड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक रेखा चाहिए, गणित का सिद्धांत यही कहता है, बिना रेखा के कोई चीज़ नहीं जुड़ सकती है। और वो रेखा जितनी बड़ी होगी उसके हिसाब से वो
उसमें जुड़ा होगा। तो जितनी काल्पनिक रेखा हम सोच सकते हैं, अगर कोई रेखा उससे भी बड़ी हो रह जाती है, उसके बाद भी अस्तित्व बचा रह जाता है, तो यानी उस रेखा से वो बेहतर हो गया जो काल्पनिक रेखा में सोची है, तो फिर वह जो है अंतहीन हो गया, वो इतना विराट हो गया कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। और उसी तरह से जब हम उसको विभाजित करेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जब होगा तो बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाएगा और उसको भी हम विभाजित नहीं कर सकते सूक्ष्म में भी। तो यदि हम ऊपर का छोर देखेंगे बड़े का तो भी हम छोर नहीं पाएंगे, और नीचे का देखेंगे तो भी छोर नहीं पाएंगे। तो हम देखेंगे ये पूरा जो अस्तित्व है ये हमारे दायरे के कितना बाहर है, और यहाँ जो घटनाएँ घट रही हैं वो क्या हमारे सोच से थोड़ी घट रही हैं, ये इन घटनाओं में ही हमारा सोच शामिल है और इस अस्तित्व में ही हमारा सोच शामिल है। तो जब हम इसके पूरे डायनेमिक्स को ऐसा जब जानते हैं समझते हैं इसके पूरे विज्ञान को, तब हमें पता चलता है कि यह जो अस्तित्व है ये अनोखा है, विलक्षण है, और ये अनंत है। और यह जब अनंत है तो यहाँ पर हर घटनाएँ जो हैं वह हमारे दायरे के बाहर हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो है तुम जो है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। और कर्म पर अधिकार है का मतलब क्या है, जो क्रियाएं हैं उस उन क्रियाओं में जो तुम्हारा मानसिक हस्तक्षेप है वही कर्म है और कुछ नहीं है। कर्म उन क्रियाओं में जो हस्तक्षेप हो जाता है थोड़ी देर के लिए जो हस्तक्षेप है, तो उतने भर तक की ही तुम्हारी भूमिका है, और उतने भर से जो दिशा मूर्ति है तो उतना ही भर तुम्हारा अधिकार है। तो अब जब हम जानेंगे कि इतने लंबे चौड़े अस्तित्व में हमारी भूमिका कितनी नगण्य मात्र है, हाँ, तो और वह भी भूमिका वह जो हम सोच रहे हैं हस्तक्षेप करने का उसके भी कितने अंश को हम जानते हैं और समझते हैं, तो हम देखेंगे कि बिल्कुल नगण का भी नगण है। तब हमको पता चलता है इस अस्तित्व की विराटता और सूक्ष्मता का, तब हमारा समर्पण होता है इसकी विराटता के सामने, इसकी सूक्ष्मता के सामने अपने आप समर्पण हो जाता है। फिर हमको हर बार वाणी से बोल बोल के समर्पित नहीं होना पड़ता है कि भाई ये यहाँ कोई भी जो कर्म होता है वो सबके अभिव्यक्ति से ना होता है, सबकी क्रिया प्रतिक्रिया से होता है, न कि एक से होता है। जैसे कि मान लो अभी हम फिलहाल वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं तो ये ज़मीन कैसे बनी, ये पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, कहाँ से बनी, हाँ, तो ये ज़मीन के अगर घटना को सोचोगे तो पूरी श्रृंखला सोचते सोचते कई जन्म बीत जाएंगे, नहीं सोच पाओगे इस धरती को बनने में। उसके बाद फिर जो है ये उत्थान फाउंडेशन बनने का, हाँ, उसकी श्रृंखला सोचोगे, फिर अपने हमारे अपने तुम्हारे बनने का, फिर इस तरह से आज का जो मुहूर्त है अभी। तो कहने का मतलब है कि इतनी जो इसमें वो है जटिलता है कि हम लोग इसकी जटिलता में जाते जाते हम लोग खो सकते हैं, मर सकते हैं, खप सकते हैं, खोज नहीं सकते। तो यह जब हम अपनी सीमा को समझते हैं तब फिर हम उस असीम के प्रति अपने आप श्रद्धा होती है, क्योंकि ये घटना तो घटित हो ही रही है, हमारे ना रोके से रुकेगी ना हमारे चलाए से ये चलेगी। तो जब ये इतना विराट है, इतना असीम है, तो हमारी श्रद्धा हो जाती है। वह जो श्रद्धा, वह समर्पण है, वही भक्ति है। और जब तक ये इतनी समझदारी नहीं होगी तब तक जो भक्ति होगी वह अंधभक्ति होगी, कोरी भक्ति होगी, समझ रहे हो। तो अब जो नए साधक है, नए साधक को इसका चिंतन करना है, नया साधक अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, नया साधक को चिंतन करना है, और पुराना साधक को समर्पण हर चीज़ का, फिर उसका अपने भाव से अपने आप समर्पण होता रहता है, और फिर वो जो है वो नाम रस में वो डूबा रहता है, उसका भजन गाता रहा, इसका कोई नाम दे करके या बिना नाम दिया नाम में भी, हाँ, तो वो चलता रहता है। तो अब गुरु का काम क्या है, जो गुरु की भूमिका तुम पूछ रहे थे, गुरु की भूमिका यही है कि तुमको कुछ मानो नहीं, क्योंकि गुरु जो है ना विचारक होता है ना फिलोसफर होता है, ये समझ लेना। जो वास्तविक गुरु होता है वह विचारक और फिलोसफर नहीं होता है, वह तो उसको अनुभूत कराना चाहता है, और अनुभूत तभी होगा जब हम मानेंगे नहीं। अगर हम मानेंगे तो अनुभूत कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तब एक मान्यता हो जाती है, और मान्यता जब भी हो जाती है तो वहाँ एक कोई पंथ चल सकता है, मान्यता वाली पंथें बहुत सारी बन गई हैं धरती पर, हाँ, तो एक मान्यता वाली पंथ हो गया, हमने मान लिया, ये लिखा हुआ है, हमने मान लिया, उसने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन फील तो नहीं किया ना, और हमें हमारी समझदारी तो नहीं विकसित हुई ना उसमें। तो जब हमारी समझदारी विकसित हो जाए वह, और जब हम उसको महसूस कर लें, अनुभूत कर लें, फील कर लें, एक्सपीरियंस हमें हो जाए वह, ये दो ही काम गुरु का होता है कि उसकी समझदारी विकसित करा देना और उसको अनुभूत करा देना। और अनुभूत कराने के लिए कभी मान्यता नहीं हो सकती है, मान्यताओं से कभी अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति जब होगी तब वास्तविकता जो है उससे होगी। तो हम जो फूल है उसकी वास्तविकता को देखें, जो फल है उसकी वास्तविकता को देखें, जो द्रव्य है उसकी वास्तविकता देखें, और इन सब के समन्वय को देखें कि आखिर इन सब का कैसे समन्वय होता है कि कोई चीज़ फूल बन जाती है। एक ही धरती पर कोई नीम है और वहीं पर कोई बड़ है,
एक ही धरती पर वहीं कहीं गुलाब है, तब हमको देखना है कि ये आखिर ऐसे होता कैसे है, अब हमको इसको समझना है, इसको मानना नहीं है कुछ। इसलिए जो ऋषि होता है, ऋषि का अर्थ होता है जो तत्व के जो अन्वेषक हैं वे ऋषि हैं, वे मानने वाले नहीं हैं। मानना का तो बहुत आसान चीज़ है कि किसी ने कह दिया हाँ हाँ मान लिए, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मानने से कभी परिवर्तन नहीं आता है, सदैव जो है आप तो महसूस करेंगे तो परिवर्तन आएगा, या समझदारी से उसको जो है हम नॉलेज में उसको लेते जाएंगे तो अनुभूति आती जाएगी, तो उससे परिवर्तन आएगा। तो ज्ञान और भक्ति ये जब हो गए ना, तब इसके साथ फिर कर्म जुटेगा। ज्ञान और भक्ति जब मिल जाते हैं तब हमारा उसमें कर्म जुटेगा, और ये तीनों मिल के फिर पूर्ण हो जाते हैं, तब पूर्णता। तो गुरु का काम यही है कि उसको ज्ञान की ओर प्रेरित करना, उसको भक्ति की ओर प्रेरित कराना, और फिर उसको कर्म की ओर प्रेरित करना उसके हिसाब से। अब उसको जो है अंधविश्वास में नहीं ढकेलना, और उसको झूठी मान्यताओं में नहीं घसीट के ले जाना है, उसको वास्तविकता जो है उससे उसको परिचित कराना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे कि भाई ऐसे सांस खींचेंगे तो ये होगा, तो वो होना चाहिए ना, अगर वो नहीं होगा तो ये एक मान्यता हो गई, वो हकीकत नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि 2 मिनट तक सांस रोकेंगे तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए, हाँ एक एक, क्योंकि हर आदमी जब हम किसी को आदमी के रूप में वर्गीकृत करते हैं तो उसकी क्षमताओं की एक सीमा होगी, एक आदमी से दूसरे आदमी में, तो हम उसका एक रेंज दे देंगे ना, भाई आप 2 मिनट से लेकर के 2.5 मिनट तक, या 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक इस तरह से सांस रोकेंगे, उससे ये घटना घटेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ठीक बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि यही होगा, क्योंकि हर आदमी एक जैसा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, हर आदमी अलग अलग है, तो अलग अलग है लेकिन परंतु उसका एक रेंज है, इतने से इतने तक है तो वो आदमी है, इतने से इतने होगा तो हो सकता है वो बानर के रूप में आ जाएगा, फिर इतने से वो चिंपांजी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जितने गुण हैं उनके हिसाब से हम उसके एक रेंज बनाते हैं, तो हम उस रेंज के हिसाब से हमने कर्म का, विचार का, श्रद्धा का, भक्ति का, सबका एक रेंज बनाएंगे। गुरु का काम यही है, उसको उस रेंज से हकीकत कराना और उसको बताना, उसको चमत्कारिक रूप से कुछ करने की कोशिश नहीं करना है, चमत्कारिक रूप से कभी नहीं होता। विवेकानंद को जो बताए तुम, जो उदाहरण तुमने दिया, तो विवेकानंद से उसको ना कोई ज्ञान हुआ और ना ही उससे कुछ हुआ। विवेकानंद को जो भी अनुभूति हुई है, जब रामकृष्ण परमहंस गुजर गए तो विवेकानंद जो घूमते हैं पूरे देश में, उस पर अकाल पड़ा था। विवेकानंद ने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि अकाल पड़ गया था और मैं घूम रहा था, 7 दिन से मुझे भिक्षा नहीं मिली थी, भूख से बेहाल हो गए थे, और जैसे बुद्ध की जो स्थिति होती है। तो आदमी जब भूख से बेहाल हो गया है, और हम लोग की भूख की कई परतें होती हैं, भूख की पहली परत होगी जैसे मान लो कि तुमको डेली खाना खाने की आदत है, हाँ तो जब 10 बजे का तो तुम्हें भूख लग जाएगी, परंतु ये झूठी भूख होगी, वास्तविक भूख नहीं होगी, क्योंकि इसको तुम स्किप कर देते हो तो फिर तुम सांझ तक चले जाओगे, हाँ फिर सांझ को भूख लगेगी, वह भी झूठी भूख होगी, थोड़ी सी इससे गहरी होगी, लेकिन उसको भी स्किप कर देते हो तब तो तुम अगले दिन चले जाओगे, हाँ फिर भूख लगेगी तुमको, फिर उसको स्किप कर दोगे, वह भी झूठी भूख होगी लेकिन इससे और गहरी होगी वो। इस तरह से लगातार जब हम गहरी से गहरी भूख में उतरते चले जाते हैं, भूख की कई परतें होती हैं हम लोग की, तो जब हम गहरे से गहरे उतरते चले जाते हैं, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जबकि शरीर जो है स्वयं को खाना शुरू करता है शरीर, तब आदमी पतला होना शुरू हो जाता है, और जब शरीर स्वयं को खाने लगता है तो एकदम पतला हुआ हड्डी का ढांचा हो जाएगा। भगवान बुद्ध की भी एक कथा है जिसमें कि वो बताते हैं कि वो 60 साल के बूढ़े जैसे हो गए थे उस जवानी में ही, हाँ पूरी हड्डी निकल गई थी और हिल तक नहीं पाते थे, सब मांस खत्म हो गए थे, ये बताते हैं कि पेट सटक गया था पीछे, यानी भूख की वो एकदम चरम सीमा पर पहुँच गए थे, खाना वाना भी नहीं मिलता था, वो जो है कभी टट्टी खाते थे अपनी और कभी जो है पत्ता खाते थे, कभी इससे गुजारा करते थे। तो वह जो स्थिति आती है भूख की परत दर परत, लेकिन शरीर को बचाए रखने के लिए तो भोजन चाहिए चाहिए, हाँ तो जब अंतिम जो परत आती है उस परत में क्या होता है कि आपके विचारने की जो क्षमता है वह घटने लगती है, क्योंकि हम लोग के लिए विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग के लिए अपना अस्तित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस वक्त क्या होता है कि विचार, हम लोग के दिमाग का वह हिस्सा जो विचार करता है उसको रोक दिया जाता है जब अंतिम स्टेज आएगा। इसलिए जब देखोगे कोई व्यक्ति जब मरने के कगार पर पहुंचता है तो उस फिर सोच नहीं पाता है, हाँ उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसकी आँख बंद जाएगी, देखना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए दृष्टि जो है बंद हो जाएगी। जब भूख की परत बढ़ती आगे तो दृष्टि बंद होने लगेगी, फिर कान से सुनाई भी पड़ना कम होने लगता है, जो व्यक्ति मरने करीब होता है कान से सुनाई पड़ना कम होने लगता है, तो उसके कान से सुनाई पड़ना कम हो जाएगा, देखना बंद
हो जाएगा, फिर बोलेगा नहीं, बोलना सबसे पहले छूटता है क्योंकि बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है। कभी भी उपवास करोगे तो देखोगे आदमी कब बोलता है, जैसे जैसे उपवास और गहरी होगी एक दिन दो दिन तीन दिन बोलना एकदम बंद होने लगता है। कुछ समय के बाद तो दृश्य आते हैं, भोजन के दृश्य आते हैं, जैसे कि भूखे को भी रोटी दिखती है या खाने का आइटम दिखता है, और जब गहरा हो गया तो फिर वो सब भी नहीं दिखेगा और वो विचार और वो जो तस्वीरें आती हैं वो बंद हो जाएंगी। जब वो स्थिति आ जाती है जबकि तस्वीरें बंद हो जाए, विचार बंद हो जाएँ, तब वहाँ पर जो है दिमाग का एक हिस्सा खुलता है, उस पॉइंट पर खुलता है, और वहाँ वह जो खुलता है वो बहुत गहरा पर होता है। एक संलेखन व्रत होता है जैनियों में जो कि इसी तरह से भूख से होता है। तो विवेकानंद की जो बात है तो उनको 7 दिन तक जो भोजन नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, हाँ तो जब सभी को भोजन भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी उस स्थिति में पहुँच जाएगा क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन से शरीर को पानी ज़्यादा जरूरी है भोजन से, हाँ तो वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाएगा जहाँ उसको विचार नहीं करना पड़ेगा, तो वो अचेत हो जाएगा। एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर उसकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है तो वो अचेत नहीं होगा, वो गिर जाएगा, चक्कर उसको आ जाएगा लेकिन अचेत फिर भी नहीं होगा वो, और वहाँ से उसको जो है ज्ञान का एक रास्ता वहाँ से खुल जाता है, तो वहाँ उसको साक्षात्कार होता है। तो विवेकानंद ने ऐसी जगह को बताया है कि वे भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और बैठते क्या है मतलब गिर जाते हैं, कहने मतलब बैठते उठते नहीं गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में सफल होते हैं पीपल के पेड़ की छाया के नीचे, और वहाँ पर वो गिर जाते हैं और फिर वहीं पर उनको बोध होता है, वहीं पर दर्शन होता है। तो वैसे दर्शन सदैव जब भी होगा ना मृत्यु के कगार पर ही होगा, इतना याद रखना, सदैव जब भी दर्शन होगा मृत्यु के कगार पर ही होगा, क्योंकि जो हम लोग को हमारे इस जीवन को उस जीवन से जो जोड़ता है, हमारे इस भौतिक जीवन को जो हमारे आध्यात्मिक जीवन से जोड़ता है, वो मृत्यु का ही पॉइंट होता है। इसलिए जो अपने जीवन को दांव पर लगाता है, जब हम साधना करते हैं सामान्य साधना से कभी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, वो उसी स्थिति में होता है कि जिस वक्त हम अब मरने के कगार पर, तब जो हमारा यह जीवन अब नष्ट होने के कगार पर है, और इस जीवन से हमें मोह नहीं है, इस जीवन से हमें मोह नहीं है और ईश्वर के प्रति भूख है, यानी इसके बाद की क्या सत्ता है उसके प्रति जब भूख है और इस जीवन से मोह नहीं है, तो वह जो पॉइंट आता है, इसकी जो रेखा है, उस रेखा पर ही दर्शन होता है। साधारण सा कोई सोच ले कि हम प्राणायाम करते करते जो है ईश्वर का दर्शन कर लेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं। वो तभी संभव है जब हम प्राणायाम करते 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 शरीर की ऐसी स्थिति मिल जाए कि शरीर अचेत जैसा होने लगे और हमारा जीवन संकट में पड़ जाए। तो हम चाहे भक्ति मार्ग से जाएँ, चाहे कर्म मार्ग से जाएँ, चाहे संन्यास मार्ग से जाएँ, जिस भी मार्ग से जाते हैं, हर मार्ग में वो अंतिम पॉइंट है, वो डेथ पॉइंट है, डेथ पॉइंट में ही होगा। रामकृष्ण परमहंस का भी देखोगे तो उनको भी ईश्वर का दर्शन उसी समय होता है जब वे अचेत हो जाते हैं। उनका भी यदि पढ़ोगे जो उदाहरण तुमने दिया, तो अचेत होने की स्थिति में, यानी डेथ की स्थिति में करीब होने पर, मृत्यु करीब होने पर ही होगा, क्योंकि वहाँ से वो आत्मबोध है या आत्महत्या है वो ऐसे समझ लो, उसी जगह पर है। तो वो एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट से हम किस तरफ जाते हैं ये हमारे संकल्प के ऊपर पड़ता है। गीता में भी कहा गया अंतिम समय में जो संकल्प करता है उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो अंतिम संकल्प क्या है हमारा, क्या हम कुछ और नहीं पाना चाहते हैं ईश्वर के अलावा, क्या हम मोक्ष के अलावा कुछ और पाना चाहते हैं? यदि हम कोई पदार्थ पाना चाहते हैं, कोई पद पाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति पाना चाहते हैं, तो फिर हमारा संकल्प वह व्यक्ति है, तो फिर हमें ईश्वर दर्शन कभी नहीं होगा। इसलिए जो मरते हैं तो वे पुनः जन्मते हैं और उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करते हैं जिसके वो संकल्पना करते हैं अपने मन में, जो सोचते हैं। तो हमारी जो कल्पना होती है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वे ही इच्छाएं हमें जन्म की ओर प्रवृत्त करती हैं, वे ही इच्छाओं से हम जीते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। अगर हमारे पास वे इच्छाएं नहीं रह गई, हमारे पास कुछ भी इच्छा नहीं है, वैसी स्थिति में जो हमारा पॉइंट होता है वह ही दर्शन का पॉइंट होता है। तो गुरु का कर्तव्य यही है कि उसको उस स्थिति में ले जाए, और उसी के लिए साधनाएं होती हैं। ये जो साधना सामान्य सी बताई जाती हैं, कुछ तो स्वास्थ्यवर्धक है, हाँ, इसलिए क्योंकि अभी उसने अपने को इतना विकृत कर लिया है कि अभी तो वो उसका मामूली सा पात्र भी नहीं है। तो अब उसको धीरे 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 करते 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 उसका एक मॉडल उसको तैयार किया जाएगा कि अब इसका दिल और दिमाग और देह जो है कुछ तैयार हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ को तैयार होना पड़ेगा ना। जब हमको युद्ध करना है तो उस हिसाब से हर चीज़ पूरा प्लानिंग पूरा मॉडल बन जाना चाहिए। तो जब शरीर तैयार हो जाता है
तब फिर जाकर मृत्यु किस तरह से इसको मृत्यु की ओर ले जाया जाएगा। अब सिर्फ योजना यही बनती है, इतना जान लेना, सदैव मृत्यु की ही योजना बनती है और कोई योजना नहीं बनती। ये एक मृत्यु का ही है, इसीलिए कहीं कहीं एक बार रजनीश का एक लेक्चर आया था, बहुत लोकप्रिय हुआ था कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, एक लेक्चर आया था। भगवान शिव जो है वो मृत्यु के वो देवता हैं। हाँ, तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया कि आप आपके ये जो जन्म और ये जो कारक हैं हैं जो बार बार आपको जन्माते हैं और मराते हैं, तो इससे आपको कैसे अलग किया जाए, तो इसकी मृत्यु होनी चाहिए इस जन्म की। तो और इस जन्म की कैसे, आपको खुद मारना है अपने को, और आप क्या है अपनी इच्छा से मारेंगे। तो गुरु का कर्तव्य यही है कि उसको मृत्यु की ओर ले जाए, और ऐसी मृत्यु की ओर जो ये भौतिक मृत्यु हो उसकी, हाँ जो उसकी भौतिकता है उसमें जिसके प्रति आकर्षण है, मोह का, क्रोध का, लोभ का, द्रोह का, इनका जो आकर्षण है इसके प्रति जो है उसको सजग करते रहना है, और तब जा करके वो वहाँ पर पहुँचेगा मृत्यु के उस कगार पर पहुँचेगा जहाँ से उसको आत्मदर्शन होगा। उसके पहले तो कभी दर्शन नहीं हो सकता, उसके पहले कुछ झांकी मिल सकती है, कुछ झलक मिल सकती है, सुरक्षित रखते हुए अपने को। अपने को सुरक्षित रखना मतलब क्या, भय, और भय किसका, अपने इस शरीर के, इसका मतलब है कि आपको प्रेम नहीं है। जो सामान्य जो प्रेमी भी होते हैं ना, वे भी मृत्यु से नहीं डरने लगते हैं। जो सामान्य प्रेमी भी होते हैं, प्रेमी प्रेमिका, वे मृत्यु से नहीं डरते हैं, इसीलिए वो कभी देखोगे कट के मर गए, तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर जो जो बच्चे रहते हैं वे उसको कहते हैं, अरे उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, जीना चाहिए था, दस तरह की बातें वे अपने अपनी तरफ से करते हैं, क्योंकि ये आपके थॉट और आपकी दुनिया से आए हैं शब्द। लेकिन वे जिस स्तर पर हैं, वे जिस स्तर पर जी रहे हैं, उस स्तर पर आप पहुँचे ही नहीं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जन्म और मरण। उसके लिए जन्म और मरण महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है साथ रहना, समझ रहे हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, लेकिन जो प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए महत्वपूर्ण है साथ रहना। उनके लिए जीना ना महत्वपूर्ण है ना मरना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो मर जाते हैं। तो वहाँ तो वो भी है एक ऊँची अवस्था है यहाँ से। तो हर समय जो हम उस बिंदु पर पहुँचते हैं जहाँ मृत्यु और जीवन दोनों नगण्य हो जाते हैं, दोनों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, तो वैसी स्थिति कर्म भी बताता है गुरु जो है। हाँ, ज्ञान तो बता दिया आपने कि जब अस्तित्व के उसको समझो, तो कर्म के रूप में, कर्म के रूप में वो साधना बताता है, कर्म के रूप में वो साधना बताता है, कर्म के रूप में वो साधना बताता है। तमाम तरह की जो साधनाएं हैं, कि कई तरह के साधनाएं हैं, थोड़ा बहुत कराते ही देखते ही हो कि ध्यान ऐसे लगाना है, ये जैसे भी विपस्याना के विषय में पूछा था हुआ करना, या ध्यान की हजारों तरह की साधनाएं हैं तो उसके विषय में बताना है। प्राणायाम के कई तरह के प्राणायाम हैं, ये आसन हैं, या भजन वजन गा रहे हैं, या कई तरह की बातें हैं, तंत्र की साधनाएं हैं, मंत्र की साधनाएं हैं, ये सब कर्म में आ जाएंगे। या यजन वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, वो विधियों में आ जाएंगे, वो कर्म कांड होता है। उपासना का वो कर्म कांड होता है। बाकी गृहस्थ जीवन के कर्म को किस तरीके से करें, जो अनासक्त भाव से करें, ये उसकी भी ट्रेनिंग मैंने गुरु जो है कहीं कहीं उसके बारे में। हाँ, तो उसको एक तैयारी होती है, बेसिक लेवल की तैयारी होती है कि आप कम से कम इसको उस स्तर तक ले जाएं जहाँ से अब फिर ये इसमें शिफ्ट हो सके। क्योंकि एकाएक अगर ड्रास्टिक शिफ्ट होता है ना, तो व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त हलचल हो जाती है। सामान्य से जैसे एकाएक यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे में चले जाएंगे, अभी हम गृहस्थी में हैं एकाएक, और उसमें रचे बसे हैं, और एकाएक छलांग लगा दिया व्यक्ति, लगा सकता है, कोई बहुत साहसी वीर लगा सकता है, यदि ऐसा लगा दिया तो उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, बहुत हलचल होगी, और उससे समाज में भी बहुत ज़्यादा हलचल हो जाएगी। तो भगवान ने इसीलिए बराबर कहा है कि जो जैसा भी कर रहा है उसको उसके अनुसार से ही बताइए, वही अच्छा तरीका, क्योंकि उसका शरीर वैसे मॉडल्ड है ना, तो उसके हिसाब से उसको बताएंगे। तो कर्म तो ऐसे ही बतलाना है, तो जो अष्टांग योग के लिए है उसको अष्टांग योग बता देंगे, जो धारणा ध्यान में जाने लोग हैं उसको वैसे बता देंगे, जो भजन कीर्तन वाले में हैं, भाव वाले में हैं, उसको उसमें बता देंगे। तो ऐसे ऐसे कर्म बताए जाते हैं, सब कर्मकांड के तहत, जो कर्मकांड सुने ना, कर्मकांड, तो वेद के जो कर्मकांड है वो यही है। कर्मकांड का मतलब होता है साधना, और कुछ नहीं। कर्मकांड का मतलब यह नहीं होता है कि कुछ हम यह वेद की ऋचाओं को जो दूषित कर दिए हैं उसका अर्थ जो है नर्थ कर दिए हैं। वे लोग बतलाते हैं कि कर्मकांड का मतलब है कि हम जो है हमको बेटा बेटी मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाए, तो ये पद मिल जाए, ऐसा नहीं है। कर्मकांड का मतलब है कि हम उपासना कांड के लिए ही कुछ कर रहे हैं, और उपासना कांड का मतलब है हम ज्ञान कांड के लिए कुछ कर रहे हैं।
समझ रहे हो, ये सारे कांड एक ही तरह की चीज़ें हैं, बस उसका अलग अलग आयाम से हमको उसको समझाना है। तो गुरु का यह दायित्व तो होता है, और जो जब भी वास्तविक गुरु के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है, उसकी सुनता है, उसको देखता है, उसको स्पर्श करता है, तो अपने आप ही जो है वो दीक्षित हो जाता है और अपने आप ही उसको चल पड़ेगा, चलना है होगा उसको, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही ऐसी होती है ना कि उसमें उसको आ ही जाना है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा, गुरु का प्रभाव इतना उसके ऊपर आ ही, हाँ चाहे वो विपरीत भी होगा तो भी उसमें प्रभाव आ जाएगा। जैसे बुद्ध के विपरीत में वो देवदत्त था, हाँ तो भले विपरीत में था लेकिन फिर भी प्रभाव में उसके आ गया। तो पात्रता नहीं होगी तो पात्रता तो होती ही होती है, पात्रता तो उसकी यही है ना, एक व्यक्ति अनपढ़ है वही पात्रता है उसके शिक्षित होने के लिए, क्योंकि अनपढ़ है वो, अब उसकी पात्रता यही ना कि उसको शिक्षित किया जाए, और क्या पात्रता होती है, और कुछ पात्रता नहीं होती है। ये अलग बात है कि मेरे हिसाब से वो नहीं करेगा, वो बात अलग है, लेकिन वो इस प्रकृति के हिसाब से करेगा ना, जो समग्र चेतना है उसके हिसाब से वो निश्चित ही व्यवहार करेगा। अगर उसने एक शब्द सुन लिया कहीं से, या एक गुण जान लिया है, या एक आचरण देख लिया, या कभी पास बैठ लिया, खा लिया, पी लिया, उसका कपड़ा तक भी छू लिया, उसके स्थान तक भी चला गया, उसके स्थान के आसपास भी चला गया, हाँ तो उसका प्रभाव आ जाना है, निश्चित आ जाना है। लेकिन यह कोई नहीं है, इसीलिए पतंजलि ने कैटेगरी बताई है ना, मैंने एक बार बताया था ना कि 9 कैटेगरी बताई है कि किसको कितना जल्दी लाभ होता है। तो जिसमें त्वरित उपाय भी होंगे और त्वरित संवेग भी होगा, दोनों ही अगर त्वरित होंगे, उपाय भी और संवेग भी, तो वह बहुत जल्दी लाभ को प्राप्त होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो ठीक है, धीरे धीरे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जो उसके प्रभाव में आए ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो खिलाफ़ भी खड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कंस है, एक उदाहरण मैं कंस का लेता हूँ, तो कंस जो है तो वो तो हर समय कृष्ण का विरोध करता रहा, लेकिन उसके विरोध से ही वो मुक्त हुआ। भगवान जो है उसको वो मुक्ति होती है, भगवान का विरोध करके परम अवस्था तक विरोध अगर आप कर सकते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे। उसी तरह से रावण है, परम अवस्था तक विरोध करके वो मुक्त होगा, आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बुरे कर्म और अच्छे कर्म का कोई बहुत मतलब नहीं है। बुरे कर्म अच्छे कर्म जो है ये एक नैतिकता है, ये सामाजिक भावनाएं हैं, पूरे अस्तित्व में बुरा कर्म अच्छा कर्म कुछ नहीं, यहाँ बस क्रियाएं हैं और कर्म है, बस हमारा जिसमें मन हस्तक्षेप कर देता है वो कर्म बन जाता है, वो क्रिया। तो चाहे कंस हो चाहे रावण हो, अगर आप कंस भी बन सकते हैं, रावण भी बन सकते हैं, हाँ उस स्तर तक यानी आप विरोध ऐसे कर सकते हैं तो आप भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए आप जिस भी दिशा में जाएंगे मुक्त हो सकते हैं, कोई ऐसी दिशा ही नहीं है जिसमें मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर अनंत है ना, तो उनकी दिशाएं भी अनंत होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर इसी रास्ते से जाएंगे तो हम मुक्त होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तब तो एक मार्गी हो जाएगा, वो एक मार्गी कभी नहीं है, वो सर्वमार्गी है। हाँ ईश्वर को सर्वमार्गी कहा गया, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो कि उसका मार्ग नहीं है। आप विरोध करके भी मुक्त हो सकते हैं, आप सहयोग करके भी मुक्त हो सकते हैं, आप उसको अपने पुत्र के रूप में भज के भी मुक्त हो सकते हैं, आप उसको जो है पत्नी के रूप में भी भज के मुक्त हो सकते हैं, आप मित्र के रूप में भी भज के मुक्त हो सकते हैं, आप किसी भी अर्थ में मुक्त हो सकते हैं भज करके, ईश्वर को भज के आप किसी रूप में मुक्त हो सकते हैं। तो आप जो भी रास्ता चुनेंगे वो उसी का रास्ता होगा, बस शर्त क्या होगी, शर्त यह होगी कि मरने के कगार तक आपको जाना होगा। मित्रता भी करेंगे तो इस स्तर तक कि हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हों, शत्रुता भी करेंगे इस स्तर तक कि हम उसके लिए मरने के लिए तैयार हों, उसे शत्रुता को भी हम मृत्यु तक ले जाएंगे, वो बीच में नहीं छोड़ेंगे। रावण बीच में नहीं माना, मंदोदरी कितना ने समझाया, नहीं वो नहीं माना, वो तो वो एकदम लास्ट तक जाना है आपको, डेथ जो है वो अनिवार्य पॉइंट है, इतना याद रखना। चाहे हम कोई साधना करें, चाहे हम ध्यान में बैठे हैं, जैसे बुद्ध बैठ गए तो बैठ गए तो बैठ गए, हड्डी गल गई, ये गल गई, कुछ भी गल गई, दधीची बैठ गए तो बैठ गए, तो वह भी एक रास्ता है। चैतन्य महाप्रभु भजन गाते रहे, भजन गाते गाते सागर के लहरों में गुम हो गए, हाँ लेकिन उनका जो भजन नहीं छूटा, उनका जो हरिनाम नहीं छूटा, प्रहलाद थे उनका हरिनाम नहीं छूटा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको एकदम उसको एकदम फाइनल पॉइंट तक ले जाना, उसको उठा उठा करके चाहे पहाड़ से फेंक दो, चाहे आग में फेंक दो, चाहे कुछ फेंक दो, कुछ भी करो, उसके लिए कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए जीना महत्वपूर्ण नहीं है, मरना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैंने प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण दिया था, साथ रहना महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर के साथ रहना महत्वपूर्ण है मेरे लिए, न धन के साथ न धन के बगैर, हाँ चाहे हम धन के साथ रहें तो या धन के बगैर रहें तो, चाहे तो हम जीवन के साथ रहें तो चाहे जीवन के बगैर रहें तो, लेकिन हमको मेरा मुख्य है कि हम ईश्वर के साथ रहें। जब ईश्वर
को हम इतना वैल्यू देंगे तो ईश्वर हमारे लिए प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं प्रकट होंगे। अन्यथा हम ईश्वर को देखेंगे जब अवश्य, लेकिन उन रूपों में देखेंगे जो सामान्य रूप होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे के रूप में देखेंगे, या पेड़ पौधे के जो ऊर्जा रूप है उसको देखेंगे। इसका एक मध्य भी कह जाता है कि ऊर्जा रूप में हम देखते हैं पेड़ पौधों को या किसी भी प्राणी को, उसको ओज कहते हैं। किसी व्यक्ति को उसके ओज में देख लेना यह एक सिद्धि मानी जाती है। महर्षि पतंजलि जी के योग में, विभूति योग में बताया गया यह सिद्धि है। हम आपको आपके हाड़ मांस में नहीं देख रहे हैं, हम आपको आपकी ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है, हाँ, तो वैसी स्थिति आती है, वह भी एक देखना है। वो बहुत, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि है, परंतु वो परम दृष्टि नहीं है। परम दृष्टि तो तभी है जब, हाँ, बस ईश्वर है। और ईश्वर का मतलब हो गया कि अन्य फिर हमको कोई विभेद नहीं दिख रहा है, कहीं विभेद नहीं दिख रहा है, तो वह स्थिति आ जाती है। तो गुरु का यही कर्तव्य है कि उनको उसी मार्ग की ओर प्रवृत्त करना, वही मार्गों को बताना और अनुभूत वाले मार्ग को बताना, उसको भटकाने बहकाने और उसको आसान रास्ता बताने की कोशिश नहीं करनी। आसान रास्ता मतलब कि सदैव गलत रास्ता। आसान क्या होता है? आसान कभी कुछ नहीं होता है, बस वो होता है, बस ऐसा है, इतना डिग्री तापमान पर ये उबलेगा तो ऐसा हो जाएगा, सीधी सी बात है। इतना डिग्री तापमान पर ये फ्रिज होगा तो हो जाएगा। इसमें आसान कुछ नहीं होता और कठिन भी कुछ नहीं होता। आसान और कठिन जो है ये व्यवसायी लोगों की भाषा है, हाँ, कि आसान कोई उपाय बता दिया जाए। आसान उपाय कुछ नहीं होता, उपाय है बस, ये है ये उपाय है, ये तरीका है, और ये जो तरीका है ये विज्ञानमय तरीका है, इससे ये होता ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना, डेथ पॉइंट है। हर जगह कुंडलिनी जागरण जो होती है, कुंडलिनी जागरण का नाम सुने, तंत्र योग में कुंडलिनी जागरण शब्द आते हैं, वो तंत्र योग के शब्द हैं। कुंडलिनी जागरण तभी होती है जब हम अपने को मृत्यु के पॉइंट पर ले जाते हैं, तब, उसके पहले नहीं। तो क्या अगर कोई आत्महत्या की ओर जा रहा है तो क्या वो कुंडलिनी जागरण होगी? नहीं होगी। इसको समझ लेना जरूरी है। तब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या कोई मरने को जा रहा है, क्या कुंडलिनी जागरण होगा? तो नहीं होगा। कुंडलिनी जागरण किसका होगा? वो मरने जा रहा है, किस लिए मरने जा रहा है? यहाँ एक क्वेश्चन है ना, वो किस लिए जा रहा है? क्या ईश्वर के लिए मरने जा रहा है? अगर जा रहा है तो निश्चित होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ है कि नहीं, हमको इतना रुपया मिलता, या हमारे घर वाले हमको परेशान करने से अच्छा है मर जाएं, तो उसको मृत्यु मिलेगी, ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर तभी मिलेंगे जब हम सिर्फ ईश्वर के लिए मरना चाहते हैं, तब, उसके पहले नहीं। तो यह बात समझने योग्य है और यही बताना मंतव्य है। हम भजन करें, भजन गा रहे हैं ना, भजन गाते गाते हम भजन कब तक गाएंगे? तब तक गाएंगे जब तक हमारे मरने का पॉइंट ना आ जाए। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे वृंदावन में, कीर्तन करते थे और मरने के पॉइंट पर तक चले जाते थे। कीर्तन करेंगे तो ऐसे हल्का फुल्का में नहीं छोड़ देंगे, हो सकता है हृदय गति रुक जाए, कुछ भी हो जाए, उसको ना हृदय की फिक्र है, ना दिमाग की, ना देह की, ना किसी की, कोई सुख नहीं है एक सिवाय नाम जप के, उसको कुछ नहीं सुहाता। उसमें चाहे वो उसकी मृत्यु हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उसको ना जीवन से लेना देना, ना मरने से लेना, नाम से मतलब है, और तब जा करके होता है। तो हम अगर भजन भी करते हैं तो हमको उस पॉइंट पर जाना है। अगर हम सेवा करते हैं, निष्काम भाव से सेवा जो है कर्मयोग में आता है, तो अगर हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो सेवा करने में हम इतने लीन हो जाएं कि चाहे हमारे मृत्यु भी हो जाए हम सेवा करने नहीं मानेंगे। तो उस स्थिति में फिर वहाँ दर्शन हो सकता है। कहने का एक सार अंश में इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम चाहे कोई भी कर्म करो, यदि सिर्फ तुम्हारे कर्म पूरे अस्तित्व के लिए हो रहा है और इस स्तर तक हो रहा है कि मृत्यु के पॉइंट तक हो रहा है, अपने पूरे जीवन को तुमने दांव पर लगा दिया, जीवन तुम्हारे लिए मत नहीं रख रहा है, मृत्यु मत नहीं, तब जा करके वहाँ होगा, वह अनुभूति होगी जिस अनुभूति की कल्पना कर रहे हो, सब लोग सोचते हैं, वह अनुभूति के लिए वह पॉइंट है। उससे थोड़ा सा भी कम रहेगा तो अन्य अनुभूतियाँ होंगी। विभूति योग में बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, तो अन्य बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, वे सब होंगी। आपको अपना सूक्ष्म शरीर दिख सकता है, आपको अपने आत्मा का दर्शन हो सकता है, आपको अपने विराट शरीर का दर्शन हो सकता है, लेकिन ईश्वर का दर्शन तो सिर्फ तभी होगा जब आप स्वयं जो है ईश्वरमय हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस का ही वचन मैं कह रहा हूँ, जो तुमने रामकृष्ण परमहंस का पूछा था, इसी वजह से उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मनुष्य को कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस का वाक्य है प्रणाम, कि मनुष्य को कभी ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, सदैव ईश्वर को ही ईश्वर का दर्शन होता है। बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना?
जब आप अपना लेवल इतना ऊंचा कर लेंगे कि आप ईश्वर की अवस्था पर पहुंच गए तभी आपको दर्शन होगा, यानी आप स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर ही ईश्वर को देख सकता है, आत्मा ही आत्मा को देख सकती है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर आपको आत्मदर्शन करना है तो आपको आत्मा के स्तर तक पहुंच जाना होगा। आप आत्मा आत्मरूप जब हो जाएंगे तभी आप देखेंगे आत्मा को, अन्यथा नहीं देखेंगे। आप सोचें कि मैं इस आँख से देख लूँ तो नहीं, आप इस आँख से अन्न को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को देखने के लिए आत्मा होना पड़ेगा, शरीर को देखने के लिए शरीर होना पड़ेगा, ठीक है, शरीर को आप देख सकते हैं। और इस आँख से भी आप क्या देखेंगे, बाहरी देखेंगे। आप सोचेंगे कि इस आँख से जो हम हृदय को देख लें तो थोड़ी देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। तो इस हृदय को अगर देखना है तो हम मन की आँख से देख सकते हैं, अनुभूति की आँख से इस हृदय को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको मन को देखना होगा, यदि हमको मन को देखना होगा तब मन ही होना पड़ेगा, या तो मन से सूक्ष्म आत्मा होना पड़ेगा, तब हम मन को देख सकते हैं, मन को साक्षात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो जो आपको होना है, यदि आपको ईश्वर का दर्शन होना है तो आपको ईश्वर होना पड़ेगा। यानी आप इसीलिए यहाँ पर जो संभावना दी है, और अन्य किसी धर्म में नहीं दी गई ये संभावना, इस्लाम में नहीं कहा गया है कि आप अल्लाह हो जाएंगे, ईसाइयत में नहीं कहा गया है कि आप गॉड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कहा गया है कि आपको ईश्वर होना होगा। यहाँ इतनी संभावनाएँ दी गई हैं, आपको ईश्वर होने की संभावना दी गई है, और ईश्वर होने की संभावना है तभी आप ईश्वर को देख पाएंगे, अन्यथा उसके पहले नहीं देख पाएंगे। आप देवता को देख सकते हैं, देवता को देख सकते हैं, देवी को देख सकते हैं, अपने को देख सकते हैं, सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं, ईश्वर को नहीं। ईश्वर के लिए आपको ईश्वर स्वयं होना होगा। बात समझ में आ गई है? तो गुरु का जो कर्तव्य है वो यही है कि अपने शिष्य को हर संभावनाओं को बता देना। तो ये है उसको बता देना, और जो भी साधना उसने खुद कर रखी है उसको दे देना भाई, उसमें वो जितना कर सके। और पात्रता कुछ नहीं होती है, अगर पूछने के लिए कोई आ गया तो वही पात्रता है। अगर पात्रता देखेंगे तो हमारी तरफ से फिर जो है वो भेदभाव हो, अपनी तरफ से भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे सूरज जो है अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको प्रकाश दे रहा है, जिसको लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा तो अपना आड़ कर लेगा, है ना। तो वो अपनी तरफ से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भेदभाव करते हैं वो वास्तविक गुरु नहीं होते हैं। जो शर्त रखते हैं कि तुम दीक्षित हो जाओगे तब बताएंगे, या तुम हमारे उसमें मार्ग में आ गए, हमारे पंथ में शामिल हो जाओ तब बताएंगे, या हमारे आश्रम में रहो या हमारा चेला बन जाओ तब, ये स्वार्थी लोगों का काम है, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु तो ईश्वर स्वरूप होता है ना, ईश्वर क्यों भेदभाव करेगा, वो जो आ गया वो सबको बताएगा, उसके लिए सब समान है। समो अहम सर्वभूतेषु, गीता में भगवान ने कहा मैं सभी जीवों में सम, तो जब सभी जीवों में सम है तो बस उसको मैं दूंगा। वो अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से अपने अपना उसका विकास का जो चरण है, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से वो अपने ग्रहण करेगा, और उसका करना उसको खुद ही करना पड़ेगा, वो उसको करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा वो। कोई आशीर्वाद से कोई ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं ना कि गुरु क्या गए, तो आशीर्वाद वही है कि उसने उसको आपको रास्ता दिखा दिया, वो आशीर्वाद है उसका। लेकिन कर्म आपको जो वो जहाँ आप गलती कर रहे हैं वहाँ बता देगा, वो उसका आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद का बिल्कुल नहीं तो फिर तो जब भगवान कृष्ण आए थे तो पूरे देश को बना दिए होते सब, काहे नहीं बन गए सब लोग, अर्जुन और ये सब उसके संपर्क में थे, किसी को ज्ञान हुआ किसी को नहीं हुआ, ना अर्जुन को हुआ ना युधिष्ठिर को हुआ ना किसी को नहीं हुआ, किसको हुआ बताओ, उनके संपर्क में रह रहे थे, कोई ज्ञानी हुआ कोई नहीं हुआ। तो उसके होने से नहीं होगा, व्यक्ति की खुद की अवस्था क्या है, हाँ खुद की जो अवस्था होगी उसके हिसाब से ही प्राप्त करेगा। क्योंकि यहाँ जो है ना एक इस अस्तित्व का एक संविधान है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे अल्टप्पू नहीं चल रहा है, इसमें अराजकता नहीं है, संविधान है, उस संविधान में नियम है, उस नियम का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये स्वयं ईश्वर का संविधान है, और उस संविधान के अनुसार से ईश्वर भी संचालित होते हैं, हर कोई संचालित होता है। जैसे मान लो इस संस्था में तुमने कुछ नियम बनाया है तो इस नियम के अनुसार से तुम भी रहोगे ना, नियम का अतिक्रमण थोड़ी करोगे, करोगे तो फिर संस्था बिखर जाएगी, टूट जाएगी, फिर वो फिर दोष लगने लगेंगे, आरोप लगने लगेंगे। हाँ जो साधु महात्मा जो उपदेश देते हैं उसको स्वयं उस पर जीना ना है, नहीं तो फिर उसके उपदेश का क्या वैल्यू है, उसका उपदेश का कोई मूल्य नहीं। जो उपदेश दिया जा रहा है उस पर उसको जी करके दिखाना है खुद, क्योंकि वह नियम उसने बनाया है ना, उस नियम को उसने खोजा है, तो हमने जो इस नियम को खोजा है उस नियम पर हमको अपने अमल करना है। तो ईश्वर को भी अपने नियमों पर अमल करना होता है, और वह नियम यही है कि जो है आप जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका कर्म फल है। यह वेद का शाश्वत नियम है, कर्म के अनुसार से कर्म फल है। हाँ वह जो कर्म फल है तो उसमें ठीक है कई लोगों की अभिव्यक्ति है, कई प्राणियों की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसमें आपका हस्तक्षेप है ना,
आप कर्म को क्रिया होने दें, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं, फिर उसका फल आ जाएगा सामान्य सा जो आता है। तो कर्म को क्रिया में बदलना है, वही निष्काम होता है। निष्काम कर्म और कुछ नहीं, क्रिया है। निष्काम कर्म का मतलब हम उसको क्रिया में बदल दिए, और कर्म का मतलब हो गया कि क्रिया को हम जो है उसमें हस्तक्षेप कर दिए, अपनी टांग अड़ा दिए उसमें, अपने माइंड का कुछ टांग उसमें डाल दिए, बस वो कर्म बन गया। कर्म बन गया तो बन